आप इसे देखिए। अरे वाह, ये साड़ी जीविका पे बहुत अच्छी लगेगी। कितनी चंगी है ना? चंगी तो है। दी, देखो ना, आज मेरे गुड्डी की शादी है। कैसे लग रही है ये? वो तूने इसे हरा रंग क्यों पहनाया? दुल्हन का रंग लाल होता है, मेरा फेवरेट। जब मैं दुल्हन बनूंगी तब मेरे शादी के जोड़े का रंग लाल ही होगा। ये लाल साड़ी मुझे ये पसंद है बीजी। अरे ये भी बहुत अच्छी है, कितने की है भाई साहब? ये 11,500। दुकान का रेट नहीं पूछ रही हूँ, साड़ी का रेट पूछ रही हूँ। वही है जी। स्टूडेंट कंसेशन कितना? अरे नहीं जी, ये स्पेशल आइटम है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। आप देखिए तो कारीगरी तो देखिए, हाथ का काम किया हुआ है। एक ही पीस बचा हुआ है, इसमें कोई भाव नहीं करेंगे हम। ओ तेरी, इतनी महंगी साड़ी, और वैसे भी ना ये कोई खास अच्छी साड़ी नहीं है, दूसरी कोई देख ले। ये वाली साड़ी माधवी बेटा, एक साड़ी पसंद कर ली है ना, तो दूसरी देखने की क्या जरूरत है, पैक कर दीजिए। बीजी, थैंक यू। बीजी, स्वामिनी जी का फोन है, आप बात करेंगे? हेलो स्वामिनी जी। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है जी, शादी की तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए हमने फोन किया है। बाबूजी कह रहे थे कि आपसे बात करके हम पूछ लें कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। वैसे हमने कुछ फंक्शंस की लिस्ट भी बनाई है। हम माता की चौकी से शुरुआत करना चाहते हैं, फिर मेहंदी की रस्म है, संगीत है, हल्दी है, चूड़े की भी रस्म होगी। इसके अलावा कोई और रस्म होगी तो हम आपको बता देंगे। वैसे हम सोच रहे थे कि शादी के लिए अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। और आप अकेले इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाएंगी? हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर दें। नहीं नहीं स्वामी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ठहरे लड़के वाले। हम तो लड़की वाले हैं, हमें तो ये सब। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, अब तो दोनों परिवार जुड़ने जा रहे हैं, isn't it? आप चिंता मत कीजिए। हाँ, हम एक ड्रेस डिजाइनर भेज रहे हैं। डिजाइनर? जी, जीविका के कपड़े डिजाइन करने के लिए। रोहित वर्मा नाम है डिजाइनर का। आप जीविका से भी जरूर कह दीजिएगा। जी, शुक्रिया। ठीक है, नमस्ते। वो पीछे वाले भैया तो इतना सस्ता दे रहे। हेलो। हेलो जी। बोलो मिस्टर चेफ, आज फिर टांग खींच के लंबी करने का इरादा है? यार, भगवान ने तुम्हें सिंह दिया क्या? हमेशा फिरने के लिए रेडी होती हो। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने का फोन किया था। सॉरी? और तुम बीमार हो? बीमार नहीं हूँ, और माहौल भी एकदम ठीक है। आखिरी बात क्या है ना, अगर तुम उस दिन सीरियल हीरोइन की तरह मोटे मोटे आंसू ना बहाती ना, तो सबके चेहरे में खुशी नहीं होती। और तुम्हारी वैसे भाई और भाभी एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, उसके लिए थैंक्स। थैंक्स बोलने के लिए थैंक्स, और मेरी तरफ से भी थैंक्स। थैंक्स? और तुम बीमार हो गए? नहीं, बीमार नहीं हूँ, और माहौल भी बिल्कुल ठीक है। वैसे उस दिन दी और जीजू के बीच में पैचअप कराने का प्लान तुम्हारा ही था ना, उसके लिए थैंक्स। ओह, ये चैनल कब से बदल गया बस? एक और चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं तुम्हें। हाँ बोलिए। हम सिंपल लोगों के बीच में इतना हाईफाई डिजाइनर भेजने के लिए। अच्छा? स्वामी जी का फोन आया था, वो उन्होंने किसी रोहित वर्मा नाम के डिजाइनर को भेजा दी के लिए। वो? अच्छा अच्छा अच्छा, अब आएगा मजा। मजा क्यों? घर जाओ, खुद पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों? लेकिन हेलो, अब कौन सी घंटी बजा रहे हो भगवान?